दूसरा मिथ जो इसके बारे में पाया जाता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। सही बात है, कॉम्प्लिकेशंस हर एक सर्जरी की, हर एक ट्रीटमेंट की, हर एक उसकी होती है ज़रूर। कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज़ करने के तरीके होते हैं। अगर ये सर्जरी किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पे प्रॉपरली ट्रेंड सर्जन्स हों, प्रॉपरली ट्रेंड स्टाफ हो, इक्विपमेंट इसके लिए प्रॉपर हो, प्रॉपर हॉस्पिटल हों, तो कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा हद तक कम किया जा सकता है। प्रॉपरली ट्रेंड सर्जन का मतलब है कि क्वालिफाइड सर्जन्स जो है ना करें, और प्रॉपर जो सेटअप होता है मेटाबॉलिक सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी के सेटअप में किया जाए, तो वो एक प्रॉपर जगह है इसके लिए। हर जगह जो है ना वो नहीं होती मेटाबॉलिक सर्जरी के लिए, और सिर्फ सर्जन ही ज़रूरी नहीं है इस प्रोसीजर के लिए या इस सर्जरी के लिए। इसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जिसमें बहुत सारे मेडिकल फील्ड के रिलेटेड लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फिजिशियंस हो गए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, साइकेट्रिस्ट की इन्वॉल्व और साइकोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, न्यूट्रिशनिस्ट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, पल्मोनोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट, कार्डियोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना एनेस्थेटिस्ट की इन्वॉल्वमेंट और इंटेंसिविस्ट। ये जब सारे लोग एक ही ऑन बोर्ड हों और सारे बेरियाट्रिक सर्जरी में उनका एक्सपीरियंस हो और वह इसके साथ वेल वर्स्ड हों, तो मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेशंस को बहुत हद तक इंटरनेशनल लेवल के हद तक जो है ना इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है।